राघोपुर की बात है भैया, गांव ये बिल्कुल न्यारा, गांव ये बिल्कुल न्यारा। पल 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 ये रूप बदल, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा, कल कल नदिया की धारा। ओ हो हो हो, बदल रही जब दुनिया सारी, बदले क्यों ना गांव रे। पढ़ी लिखी जब दुनिया सारी, अनपढ़ क्यों ये गांव रे। नदिया किनारे एक गांव रे, नदिया किनारे एक गांव रे। ये मोहन है, गांव माधोपुर का मोहन। गांव में रहकर ही 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की, मगर वक्त और हालात के चलते मोहन को गांव छोड़कर शहर आना पड़ा। हाँ, शहर के बारे में एक बात तो कही जा सकती है, शहर भटकन तो सभी को देता है, मगर मनपसंद रोजगार किसी किसी को देता है। गांव माधोपुर के मास्टर जी ने मोहन को सपना नाम की एक युवती के विषय में बताया था, जो इसी शहर में एक स्वयंसेवी संस्था चलाती है, जो गांवों में साक्षरता की अलग जगाने को लेकर काम करती है। आदर्शवादी मोहन के मन में भी कुछ ऐसा ही करने की तमन्ना है, इसी के चलते वो सपना जी से एक मुलाकात करना चाहता है, और उसकी ये सोच सही भी है। मोहन, गांव माधोपुर का मोहन, बहुत सुना है गांव माधोपुर के बारे में। जिस गांव के लोगों का पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, उसी गांव का मोहन इंटर पास, सचमुच कमाल है। यानी गांव माधोपुर पर अनपढ़ता की छाप पूरी तरह लगा देना चाहती हो तुम? पापा, आप कब आए? उसी समय जब तुम अपने आप से बातें कर रही थी, गांव माधोपुर को लेकर कल्पना कर रही थी। ये कल्पना नहीं पापा, हकीकत है। गांव माधोपुर की पूरी रिपोर्ट मेरे पास है। दुनिया आज भले ही कहां की कहां पहुंच चुकी हो, मगर सुना है माधोपुर ठीक वैसे ही है जैसे सदियों पहले था। हमारी संस्था ने दो एक बार वहां जाने का कार्यक्रम भी बनाया, मगर ना जाने क्यों हर बार मैं उसे टाल गई। मगर अब जब अचानक माधोपुर का नाम मेरे सामने आया तो मुझे रोमांच सा हो आया। आई एम रियली एक्साइटेड पापा। पापा, मुझे अभी जाना होगा। अच्छा? पास ही के गांव में मुझे एक नुक्कड़ नाटक करना है। अच्छा, हाँ, माधोपुर से मोहन नाम का एक लड़का आएगा। अच्छा? वो आए तो उसे बिठा लेना, मैं लौट कर मिलती हूँ। ठीक है पापा। अच्छा बेटी। जी, मुझे सपना जी ने मिलने का समय दिया था। नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, आप शायद मोहन जी? जी हाँ, मैं ही मोहन हूँ। आप सपना जी है ना? जी, मैं ही सपना हूँ। यहाँ पासी के गांव में एक नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं जो साक्षरता विषय पे तैयार किया है, तो चलिए पहले वहाँ चलते हैं, देखिए हम लोग कैसे काम करते हैं, उसके बाद फुर्सत में बातचीत होगी। जैसा आप उचित समझे। आइए। पढ़ना लिखना सीखो भैया, पढ़ना लिखना सीखो। साक्षरता की अलग जगी है, पढ़ना लिखना सीखो भैया, पढ़ना लिखना सीखो। साक्षरता की अलग जगी है, पढ़ना लिखना सीखो भैया। पढ़ना लिखना जो न जाने उसे कहते हैं अंगूठा। अक्षर ज्ञान को सीखो भैया, बात हमारी मान लो आज। पढ़ना लिखना जो न जाने उसे कहते हैं अंगूठा।
पड़ रहे अभी तलक जो भूल बहुत ये भारी है खुद को अब तो साक्षर करना अपनी जिम्मेवारी है पार लगे जीवन की नैया इतना तो अब भर लो भैया भर लो भीतर भर लो सलमा भर लो तुम तो भैया पढ़ना लिखना जो न जाने उसे कहते हैं अंगूठा छाप अक्षर ज्ञान को सीखो भैया बात हमारी मान लो पढ़ो 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 अरे चुप रहो क्या बात है भैया तुम दोनों इतना चिल्ला रहे हो और नहीं तो क्या बात ही गुस्से की है जब देखो तब भाषणबाजी लिक्चरबाजी भाषणबाजी लिक्चरबाजी अरे भाई माजरा क्या है अब क्या बताएं भैया ये जो साक्षरता वाले हैं ना ये तो जान के पीछे ही पड़ गए हैं जब देखो तब पढ़ो 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 क्यों पढ़ो गांव में बहुत से आ गए इनके चक्कर में मगर हम नहीं आए हम कैसे आ सकते हैं हाँ और नहीं तो क्या भाई तुम दोनों कोई भीड़ के आदमी थोड़े ही हो जो ऐसे ही किसी के बहकावे में आ जाओगे मेरी बात मानो तो तुम दोनों अपना नाम अंगूठा छाप रख लो भैया सुनो तो सही तुम दोनों अपना नाम अंगूठा छाप रख लोगे तो फिर तुमसे कोई पढ़ने लिखने को नहीं कहेगा मैं समझ गया तुम हमें उल्लू बना रहे हो तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो अरे जब हमारी सात पीढ़ियों में आज तक कोई नहीं पढ़ा लिखा तो हम क्यों पढ़ें और हम कैसे पढ़ सकते हैं हाँ तो मैं समझ गया तो ये खानदानी मामला है हाँ पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के टूटने से दिल तो दुखता ही है वैसे सुना है तुम्हारे परदादा काफी अमीर थे क्यों ठीक बात है ना अंगूठा छापो पढ़े राम बोलो लड़े राम बोलो अच्छा भैया लड़े राम पढ़े राम ही सही हाँ पर दादा तो काफी रसूख वाले थे गाँव में जहाँ तक निगाह जाती है उन्ही की जमीन थी वो तो एक बार गलत कागज पर अंगूठे की छाप लग गई और चालाक बनिए ने आधी से ज्यादा जमीन हड़प ली वरना हमारे परदादा के मुकाबले इलाके में कोई नहीं था और तुम्हारे दादाजी दादाजी की तो कुछ पूछो ही मत बड़े खुले दिल के इंसान थे बेचारे 80 साल की लंबी जिंदगी जी उन्होंने मगर कभी कागज पर अपना लिखा आखर नहीं पढ़ा एक आखर नहीं पढ़ा हाँ वैसे मुझे लगता है उनके साथ भी कुछ शातिर लोगों ने गड़बड़ की होगी वरना हमारे बापू के हिस्से में 10 बीघे ही जमीन थोड़े ना आती वो भी बंजर भैया ठीक है यानी वहाँ भी धोखा हुआ अब भैया इसे धोखा कह लो या किस्मत की मार या वक्त की मार हाँ हम तो यही कहेंगे ना किस्मत ही बुरी थी हाँ हाँ वक्त ही बुरा था उनका हो सकता है वैसे तुम्हारे ये बड़े बूढ़े थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होते तो अरे कहाँ से पढ़े लिखे होते जब एक बार हमने कह दिया कि होता वही है जो हाथ की रेखाओं में लिखा होता है अब भैया इनको जरा लंबू जी का गाना तो सुनाओ हाँ हाँ सुनो वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है अरे भैया तुम चुप हो जाओ लगता है मैं पागल हो जाऊंगा क्या 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 पक्का लॉक किया जाए क्या मतलब अरे भैया तुम लोग जाओ यहाँ से अंगूठा छापो लड़े राम बोलो पढ़े राम बोलो अच्छा भैया लड़े राम अच्छा भैया पढ़े राम अब आप जाएंगे जाएं क्या हाँ जाइए चलो भैया पढ़े राम चलो भैया लड़े राम आ रही ले छपरा ही ले आ रही ले छपरा ही ले का बात है साक्षर भैया किसी अनपढ़ अंगूठा छाप से उलझ गए थे का तुम कौन हो भाई मैंने तुम्हें नहीं पहचाना हाँ आदमी काफी समझदार लगते हो और नहीं तो का इसका मतलब तुम जरूर साक्षर हो गए मेरा मतलब है थोड़ा बहुत पढ़े लिखे ये हम काहे बताएं ये हमारा प्राइवेट मामला है प्राइवेट ओह तुम्हारा मतलब है प्राइवेट मामला है हाँ, हाँ वही चपंडू के हो का जो इतनी सी अंग्रेजी भी नहीं जानते पढ़े लिखे नहीं हो मैं और चपंडू चलो जो भी हो अच्छा एक बात बताओ दो और दो कितने होते हैं लो भैया कर लो बात हमसे पूछ रहे हैं कि दो और दो कितने होते हैं भैया दो और दो सात ही होते हैं 10-12 नहीं होते हैं देखा आपने अच्छा कहाँ से क्या होता है गाधा कहाँ से कभी गधा होता है तो कभी घोड़ा होता है पास से तो मुर्गा होता है का पा भैया जो कुछ भी होता हो हमें का फर्क पड़ता है
अरे भैया, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर कौन पढ़ा लिखा है और कौन नहीं पढ़ा लिखा। हाँ तो भैया समझ लीजिए, हमने आज तक पाठशाला की कभी शकल भी नहीं देखी है। हम तो अंगूठा छाप हैं। कहाँ है? अंगूठा छाप। हाँ, एकदम कोरा के कोरा कागज, अंगूठा छाप है। अरे तो भैया कुछ पढ़ते लिखते क्यों नहीं? थोड़ा बहुत पढ़ लिख लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, समझे? ऐसा है, इस बारे में हम सोच विचार करेंगे, पर अभी कहा है कि हमारे पास टेम नहीं है। कहा नहीं है? टेम नहीं है। हाँ, अभी हम सलीमा देखने जा रहे हैं। कहा देखने जा रहे हैं? अरे जाओ भी अब। अच्छा, जयराम जी की आ रही ले छपरा ही। भाई वाह, सलीमा देखने के लिए टाइम है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं। उफ, देखा आपने कितना मुश्किल है एक अनपढ़ को पढ़ने के लिए समझाना। हाँ मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं। ओ दीदी, आप कब आई? उसी वक्त जब तुम अपनी मुश्किलों में उलझे हुए थे। हाँ मुश्किल तो है, कभी कभी तो लगता है मैं पागल हो जाऊंगा, मगर फिर क्या? और फिर हार मान लेने से जिंदगी तो नहीं चलती ना। अनपढ़ता को लेकर जहाँ तक मेरे अनुभवों का सवाल है, तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता उसके पास ना पढ़ने के लिए बहुत से बहाने होते हैं। मगर ये भी सच है कि वह अंदर ही अंदर पढ़ने के लिए ललकता है। वो भी चाहता है कि कम से कम वो इतना तो पढ़ लिख जाए कि उसकी जिंदगी की गाड़ी आराम से चल सके, मगर ना जाने क्यों उसके अंदर एक अजीब सा भय छुपा होता है, एक झिझक होती है जो उसे रोके रखती है और पढ़ने नहीं देती। हाँ मैं जानता हूँ दीदी, मगर मगर क्या? और फिर जब जानते ही हो तो हार कर बैठने की बात क्यों करते हो? देखो, अंधेरा चाहे कितना ही घना क्यों ना हो, उजाले की किरण फूटती ही है। देखो इन गांव वालों की ओर देखो, इनमें से बहुत से निरक्षर थे और आज साक्षरता की मशाल लेकर खड़े हैं। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव पे। अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव पे। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव पे। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव पे। हर मुसीबत ठोकरों की मार से, ठोकरों की मार से, बेड़ियां धनका रहे हैं लोग मेरे गांव के। अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के। ये मशाल पूछते हैं खेत भी, पूछते हैं खेत भी, कब तलक लुटते रहेंगे लोग मेरे गांव के। चल पड़े हैं लोग मेरे।
अच्छी सी दो कप चाय बनाकर लाना। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? अगर हकीकत बयान करूं सपना जी, तो ऐसा लगता है जैसे एक बार फिर से अपनी जमीन पर वापस आ गया हूं मैं। आप लोगों से बातचीत हुई, आपका नुक्कड़ नाटक देखा, ऐसा लगा जैसे ये सब कुछ मेरे आसपास ही घटित हो रहा हो, जैसे मैं भी सारे घटनाक्रम का एक हिस्सा हूँ। हाँ, जिस तरह आपने सुर में सुर मिलाकर ले मशाले चल पड़े गाना शुरू किया, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। कितनी अजीब बात है ना सपना जी, आप सब शहरों में रहकर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अनपढ़ता से जूझ रहे हैं, और एक मैं हूं जो अपना गांव छोड़कर शहरों की खाक छान रहा हूं। आप यूं भी कह सकते हैं कि आप जिंदगी का अनुभव हासिल कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि शायद इसी में कोई बेहतरी हो। कुछ समझ नहीं आता सपना जी, कुछ समझ नहीं आता। गांव से चला था तो लगा था कि वहां के माहौल से बाहर निकलकर अंदर की घुटन शायद कुछ कम होगी, दुनिया में कुछ नया देखने को मिलेगा, मगर यहां भी तो वही है, ढाक के तीन पात। तब फिर अपने कल को लेकर क्या सोचते हैं आप? कल? मैं अपने आज को लेकर नहीं सोच पा रहा हूं सपना जी, और आप कल की बात करती हैं। वैसे एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं, कहिए। अगर मैं कहूं कि आप मेरा मार्गदर्शन करें तब? सोच लीजिए, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे रहे हैं मुझे। नई बात विश्वास की है सपना जी, अगर किसी पर विश्वास जागता है तो पल में जाग जाता है, नहीं होता तो सालों बाद भी स्थिति नहीं आती। आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं आप। और अगर मैं कहूं कि आप भी साक्षरता की मशाल को अपने हाथों में उठा लीजिए, हमारे दल में शामिल हो जाइए और कदम से कदम मिलाकर साक्षरता की अलख जगाइए, तब? सच पूछे तो आपने मेरे मन की बात कह दी। जो बात कहते हुए मैं झिझक रहा था, उस बात को आपने अपने शब्द अपनी आवाज दे दी। आप आदेश कीजिए सपना जी, मैं एकदम तैयार हूँ। ठीक है। हाँ, ये सही है कि इस बारे में मुझे कोई अनुभव नहीं है, मगर फिर भी मैं... पास जिंदगी का अनुभव है, उतना ही काफी है। और जहाँ तक रही बात शुरुआत की, तो उसके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आपका गांव माधोपुर कैसा रहेगा? माधोपुर यानी कि आप? हाँ, माधोपुर के बारे में हमारे पास पहले से ही काफी जानकारी है, हमारा एक सर्वे भी हुआ था उस क्षेत्र में। हमारी तो शुरू से यही इच्छा थी कि हम वहां जाकर अपना अभियान चलाएं, और अब जब किस्मत से आप जैसा साथी गांव माधोपुर से है, तो इससे अच्छा भला और क्या हो सकता है। यानी कि आप सब भी इस अभियान में माधोपुर चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इसके लिए पूरी तैयारी करनी होगी, और अभियान शुरू करने से पहले हमें आपस में बैठकर विस्तार से एक रूपरेखा बनानी पड़ेगी। और हाँ, इस कार्यक्रम में आप हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि आप वहां के निवासी हैं और गांव माधोपुर के बारे में आपके पास तमाम जानकारी है। ये सही है कि शुरू में हमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी, मगर एक सच ये भी है कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, और मुझे यकीन है कि हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। सच कहूं तो आपकी बातें मुझे बहुत उत्साहित कर रही हैं सपना जी। लीजिए। जी, शुक्रिया। मेरा सवाल अभी अधूरा है पापा। तो गांव माधोपुर जाना चाहती हो तुम? जी हाँ, आज अगर मेरे दिलो दिमाग पर कुछ है तो वो सिर्फ माधोपुर ही है। कभी वहां जाने के बारे में सोचा करती थी, और आज जब वहां जाने का अवसर मिल रहा है तो... यानी जाने का फैसला पक्का है? जी हाँ, और अब अगर इसमें किसी की इजाजत की जरूरत है तो वो सिर्फ आपकी। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी, उस मकसद को बयान करूंगी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। वैसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपका जवाब कभी ना में नहीं होगा। सच तो ये है कि मेरी समाज सेवा के सफर में आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है, वक्त पड़ने पर निराशा के क्षणों में हमेशा मेरी हिम्मत बढ़ाई है, फिर भला आप कैसे इनकार कर सकते हैं। शायद ठीक कहती हो तुम। हकीकत बयान करूं तो मैं तो जमाने की इस तेज रफ्तार में इन सब चीजों के लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाया,
बस अपने बिजनेस में ही उलझा रहा। अब सोचता हूं मेरे पास एक ऐसी बेटी तो है जो मेरे कर्ज का भुगतान कर रही है, मेरे बोझ को हल्का कर रही है। ओ पापा, हकीकत यही है सपना बेटी। समाज के प्रति हर इंसान के कुछ फर्ज होते हैं, एक जिम्मेवारी होती है जो उसे जबरदस्ती नहीं दी जाती, ना ही उस पर थोपी जाती है, बल्कि उसका एहसास उसे खुद ही करना होता है। जो उस जिम्मेवारी को खुद अपने कंधों पर लेते हैं उनके ऊपर किसी को भी फख्र होना ही चाहिए। मुझे भी फख्र है, फख्र है मुझे तुम पर, अपनी बेटी सपना पर। ओ पापा, आप भी अब बस भी कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने आप पर ही घमंड होने लगे। नहीं, जिनके कदम हकीकत की जमीन पर पड़ते हैं वो कभी खुद पर गुमान नहीं करते। मेरी बेटी, हम तो बस इतना ही कर सकते हैं, हमारी शुभकामनाएं हमेशा हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। आदरणीय मास्टर जी, सादर नमस्कार। मुझे याद है आज भी वो पल जब आपने मुझे शहर जाने का मशवरा दिया था, और उस वक्त मुझे शायद और कोई रास्ता नजर भी नहीं आया। गांव से जब शहर की तरफ चला था तो लगा था गांव हमेशा के लिए पीछे छूट गया। उस वक्त मैं ये भी जानता था कि ये मेरी हार है, मगर शायद और कोई राहत सूझी भी नहीं थी, या फिर मैं ही जरूरत से ज्यादा टूट गया था। अंधेरा था मेरे चारों तरफ और उजाले का सूर्य मुझे शहरों में नजर आ रहा था। नहीं, यह भ्रम था मेरा, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यह मेरी भूल थी। अपने गांव से ही नहीं, अपने आप से भी दूर भाग रहा था मैं। मगर अब नहीं, मैं जान गया हूं अंधेरों से दूर भागने से उजले रास्ते हासिल नहीं होते, बल्कि अंधेरों से जूझना पड़ता है। अंधेरे के बीच ही छिपी होती हैं प्रकाश किरणें, जिन्हें अंधेरे को चीरकर ही हासिल किया जा सकता है। मैं जानता हूं आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि आज अपनी भूल का एहसास हो चुका है मुझे। आज जबकि एक बार फिर अपने गांव में वापसी के लिए तैयार हूं, तो ऐसा लगता है जैसे बहुत हल्का हो गया हूं मैं। दिलो दिमाग से सारा बोझ यकायक उतर सा गया है, ऐसे जैसे पंख लग गए हों मुझे, ऐसे जैसे खुले आकाश में उड़ान भरना चाहता हूं मैं, या फिर ऐसा कहिए कि साक्षरता के आंगन में विचरना चाहता हूं। हां, आज फक्र है मुझे अपने साक्षर होने पर। कल तक मेरी शिक्षा सिर्फ मेरी थी, और आज शिक्षा दान का संकल्प लिया है मैंने। आज फक्र है मुझे अपने अक्षर सैनिक होने पर। हां, आज मैं एक अक्षर सैनिक हूं, और आज यही अक्षर सैनिक शिक्षा दान का जीवन संकल्प लिए उस पल का बेताबी से इंतजार कर रहा है जब वो एक बार फिर से अपनी जमीन पर होगा, अपने गांव में होगा। खुशकिस्मत है मोहन, आखिरकार उसे वो राह मिल ही गई जिसकी वो एक अरसे से तलाश कर रहा था। गांव माधोपुर का मोहन अब एक बार फिर अपने गांव वापस लौट जाएगा, मगर अब उसके सामने एक लक्ष्य होगा, एक मकसद होगा, साथ में एक संकल्प होगा। हां, गांव माधोपुर को निरक्षरता के अंधकार से बाहर निकाल गांव को साक्षर बनाने का संकल्प। और फिर गांव माधोपुर की बात ही क्यों की जाए, आज हर गांव को मोहन जैसे उत्साही युवकों की जरूरत है, तभी तो देश में संपूर्ण साक्षरता का लक्ष्य पूरा होगा। हम सब इसी के लिए प्रयासरत हैं।